नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का कंप्यूटर प्रैक्टिकल लैब में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मेक फोटो एंड सिग्नेचर साइज इन एमएस पेंट। तो चलिए किस तरीके से बनाएंगे हम यहां देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पिक्चर है और इसका सिग्नेचर है। तो सबसे पहले हम अपनी पिक्चर का यहाँ पर साइज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो अभी ये फाइल 207 KB की है, लेकिन हमें इसे 20 से 50 KB के बीच में बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस पिक्चर पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन विद में जाएंगे और इसे एमएस पेंट में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कंट्रोल माउस से स्क्रॉल की मदद से, या फिर आप यहाँ पे नीचे इस तरीके से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जूम आउट करने के बाद यहाँ रिसाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक पिक्सल का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो के बॉक्स को अनचेक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको साइज़ देना है। यहाँ पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसमें साइज़ डालना है आपको। तो अभी हम जो है पिक्चर का साइज़ है वो डालेंगे, यहाँ पर 450 हमारा हॉरिजेंटल रहेगा और इसका वर्टिकल हम रखेंगे 600। तो यहाँ लिख के इसे हम कुछ इस तरीके से ओके कर देंगे। तो ये देखिए साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद इसे यहाँ से हम बंद कर देंगे पेंट को और यहाँ से अपने पिक्चर का साइज अब चेक करेंगे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे देखिए 35.9 KB का ये साइज़ बन चुका है, जो कि हमारा 20 KB से 50 KB के बीच में है। तो ये आपके अपलोडिंग के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आपका फ़ोटो यहाँ तैयार हो जाता है। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं साइन का। तो सिग्नेचर का पहले हम यहाँ पे साइज़ चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सिग्नेचर रहेंगे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पे 118 KB ये शो कर रहा है और हम यहाँ पर इसको बनाएंगे 50 KB से 100 KB के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन विद में जाएंगे और हम स्पेंट में से ओपन कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार इसे यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से हम पिक्सल ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे बॉक्स को। और इसमें अब जो हम साइज़ डालेंगे सिग्नेचर का वो कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे 1500 और नीचे 1000 ये लिख के यहाँ पर हम इसे ओके कर देंगे। तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसे भी कंट्रोल एस करके फाइल को बंद कर देंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करके या प्रॉपर्टी में जाके चेक करेंगे। तो देखिए 69.9 KB का ये फाइल बन चुकी है, जो कि हमारे 50 से 100 KB के बीच का फाइल बन चुकी है। तो ये भी आपके अपलोडिंग के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप इसमें साइज़ बना सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात और बताना चाहूँगा आपको। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि अगर 450 अगर 600 आप साइज़ लेते हैं तो इन दोनों के बीच आपको 150 का गैप रखना ही है। जैसे मान के चलिए अगर आप एक साइड का साइज़ 150 लेते हैं तो दूसरे साइड आपको 300 लेना है, 150 का गैप लेना ही लेना है। लेकिन सिग्नेचर में थोड़ा अलग है। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई सिग्नेचर है और उसका साइज़ अगर आप 1500 रखते हैं चौड़ाई, तो आपको उसका हाइट 1000 रखना होगा। कहने का मतलब ये है 500 का गैप यहाँ पे आपको लेके चलना है, चाहे आप साइज़ कुछ भी दो 500 का गैप आपको देना है। अगर आप चौड़ाई रखते हैं आप 1000, तो आपको उसका लंबाई 500 रखना होगा। तो उसी हिसाब से ये सेट हो पाएगा, उसका रेशियो बना रहेगा पिक्चर का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।